नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। यात्रियों की सुविधा की बात हो या फिर कोई यात्री किसी मुसीबत में फंस जाए, रेलवे हर वक्त अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि महज एक ट्वीट पर बच्चों तक दूध पहुंचाने वाली रेलवे को जब खबर मिली कि एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया है और अपहरण करने वाला शख्स उसे ट्रेन से ले जा रहा है, तो रेलवे तुरंत एक्शन में आ गया और इतिहास में पहली बार किसी ट्रेन को बिना किसी स्टेशन पर रोके 240 किलोमीटर तक दौड़ा दिया, जिससे आरोपी को पकड़ा जा सके और बच्ची को बचाया जा सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मामला है यूपी के ललितपुर का, जहां एक महिला ने आरपीएफ को जानकारी दी थी कि एक आदमी उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। महिला ने कहा कि उस आदमी को उसने ट्रेन में चढ़ते देखा है। महिला के इस आरोप के बाद ललितपुर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें महिला ने बच्ची की पहचान कर ली। फुटेज पर गौर करने पर पता चला कि बच्ची के साथ जो शख्स नजर आ रहा है वो राप्ती सागर एक्सप्रेस पर चढ़ा है। इसके तुरंत बाद फैसला लिया गया कि ट्रेन को भोपाल तक बिना रुके चलाया जाए, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके। रेलवे के इस फैसले के बाद राप्ती सागर एक्सप्रेस पटरी पर दंदनाते हुए दौड़ती रही और इसी बीच मामले की जानकारी भोपाल आरपीएफ को भी दे दी गई, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, ट्रेन के दोनों तरफ के गेट से जवान धड़धड़ाते हुए चढ़ गए और छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान ही कोच नंबर S2 में बताए गए हुलिये वाला एक शख्स नजर आया, जिसने एक बच्ची को अपने साथ बैठा रखा था। आरपीएफ ने तुरंत उस शख्स को दबोचा, जीआरपी को सौंप दिया और बच्ची को बचा लिया। रेलवे और जवानों ने इतनी मशक्कत के बाद बच्ची को बचाया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सब चौंक गए, क्योंकि जिस शख्स के पास से बच्ची को बरामद किया गया था वो खुद बच्ची का पिता था और यूपी के ललितपुर में ही रहता है। मामले में और जांच पड़ताल की गई तो बात सामने आई कि युवक पत्नी से अनबन के चलते अपनी बेटी को लेकर ट्रेन में बैठ गया था। बाद में दोनों में सुलह हो गई और मामला निपट गया, लेकिन रेलवे ने जिस तरह से इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई और जवान भी मुस्तैद नजर आए, वो वाकई काबिले तारीफ है। रेलवे के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।